और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें जो हमें मिल रही है, विंग कमांडर अभिनंदन जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जानकारी मिल रही है, इमरान खान ने कहा है कि कल पायलट अभिनंदन को रिहा कर देगा पाकिस्तान। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान ने कहा है पाकिस्तान कल भारतीय पायलट को रिहा कर देगा। लगातार जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बना हुआ है पाकिस्तान पर, और कल ही जैसे कि आपने देखा था ये वीडियो जारी किया गया था जिसमें पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था कि दो भारतीय पायलट उनके कब्जे में हैं। हालांकि शाम होते होते पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि एक पायलट ही पाकिस्तान के कब्जे में है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, प्रेस ब्रीफिंग हुई थी विदेश मंत्रालय की ओर से, उसमें विदेश मंत्रालय ने यह बात कही थी कि उनका एक पायलट गायब है। और जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो उनके कब्जे में है, तो इस फैक्ट की, इस तथ्य की जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद से लगातार ये इंटरनेशनल प्रेशर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर, और लगातार जो इंडियन अथॉरिटी है वो भी पाकिस्तान से संपर्क बनाए हुए थी, और ये बात भी साफ कर दी गई कि जो एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, की बातचीत हो जाएगी इस बहाने, अभिनंदन की आड़ लेकर जो वो कोशिश हो रही थी उस पर साफ साफ भारत की ओर से कह दिया गया था कि बातचीत नहीं होगी जब तक आतंक का खात्मा नहीं होता। लेकिन भारतीय नागरिक हैं अभिनंदन, और जो जिनेवा कन्वेंशन के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उनकी रिहाई होनी चाहिए और उनको खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, उनके साथ सही सलूक किया जाना चाहिए। तो लगातार भारत की ओर से दबाव बनाया जा रहा था, और अब पाकिस्तान की ओर से ये जानकारी दी जा रही है, इमरान खान ने बोली है ये बात कि कल रिहा कर दिया जाएगा पायलट अभिनंदन को। तो पायलट अभिनंदन जिस पर पूरे देश को नाज है, फक्र है कि अपनी ड्यूटी के दौरान वो वहां पर, उनका जो प्लेन था वो क्रैश हुआ और उसके बाद ये पीओके में जाकर गिरा और वो पाकिस्तान के कब्जे में पहुंच गए थे, और अब उनकी रिहाई की ये खबर आ रही है, कल रिहा कर दिया जाएगा ये पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हम रुक कर रहे हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, क्या डिटेल्स हैं, इमरान खान ने कहां बोला है और कल रिहा करने की बात आ रही है सामने? देखिए, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में जो इमरजेंसी बैठक चल रही थी, इमरजेंसी सत्र चल रहा था, ये पुलवामा अटैक के बाद जो भारत ने अटैक किया था उसको लेकर, उसी बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि कल हम विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर देंगे। यानी एक तरफा फैसला लिया गया है, जब उनके उन्हें लगा, जिस तरह की बातें आ रही है, पाकिस्तान को पहले लगा था कि इसके बदौलत हम बातचीत करने को विवश करेंगे भारत को, लेकिन भारत ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम कोई काउंसलर एक्सेस भी नहीं चाहिए। आपने विंग कमांडर अभिनंदन को पूरे दुनिया के सामने गिरफ्तार भी दिखाया है और उन्हें वीडियो के जरिए दिखाया भी है, आपने बोला कि हमारे कब्जे में, इसलिए बीच में इमरान खान ने क्या बात कही है पहले वो सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास लौट कर आती हूं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको, उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान के वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको, उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान के वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको, उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान के वापस। सुना रविंद्र आपने, पीस जेस्टर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि एज अ पीस जेस्टर हम उसको रिहा करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एज लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर जिनेवा जो कन्वेंशन है वो तो यही कहता है कि आप किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने यहां नहीं रख सकते हैं, जब आपने कब्जे में लिया है तो आपको छोड़ना ही होगा। ऐसे में पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं। बिल्कुल मीमांसा, इमरान खान कोई महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला नहीं है कि पीस जेस्चर दिखाने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। 1949 में जिनेवा कन्वेंशन, जिसमें लगभग 190 से ज़्यादा देशों ने सिग्नेचर किया हुआ, जिसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, दुनिया के तमाम बड़े देश हैं, इसके अनुसार आप जो POW होते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन 7 दिन 9 दिन के अंदर आपको छोड़ना ही होगा और उन्हें छोड़ना ही पड़ता। लेकिन एक एज लेने की कोशिश, पूरा जो डिप्लोमेटिक एज भारत लिए हुआ था, दुनिया को दिखाने के लिए इमरान खान ने एक नेशनल असेंबली में इस तरह की घोषणा की है कि हम वार नहीं चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं।
कहीं ना कहीं अमेरिका को प्लीज करने के लिए एक कोशिश किया गया है। चाइना जो एक तरह से उससे दूर दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसको भी अपने पाले में लाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरब जो अभी जाकर वहाँ के जो युवराज हैं वो 200 बिलियन डॉलर एक सहायता करने की कोशिश किए थे, जो घोषणा की थी, उनको भी आश्वासन देने का एक तरह से, या उनको भी अपने पाले में रखने का, बनाए रखने का एक प्रयास है। तो ये इमरान खान की मजबूरी भी थी, छोड़ना जरूरी भी था। उन्होंने एक अपना एक बड़प्पन दिखाने की कोशिश की है कि हम शांति के दूत हैं, इसलिए हम विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं कल।